श्रीगुरुभ्यो नमः। कन्नूरग्रामाधिवासं प्रशान्तं समुत्थाय प्रातर्हृदि वन्दनीयम्। दृढां भक्तिमास्थाय गुरोरस्वात्मनिष्ठं स्मरामि सदा सद्गुरुं ब्रह्मरूपम्। स्मरामि सदा सद्गुरुं ब्रह्मरूपम्। गुरोर्सिद्धरामैकनिष्ठं सुशिष्यं जनानां प्रियं दुर्जनानामपि उद्धारकम्। सुप्रीतिदानेन जितं सर्वलोकम्। नमामैक्यभक्त्या श्रीगणेशावमूर्तिम्। नमामैक्यभक्त्या श्रीगणेशावमूर्तिम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। पूज्यपाद गुरु महाराज जी के दिव्य चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए स्वरस सिंधु में सम्मिलित सभी श्रोता वक्ताओं को मेरा नमन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में दीर्घदंड प्रणाम। आत्मीय बंधु भगिनी, आज एकादशी है, तिथि एकादशी है। एकादशी का क्या तात्पर्य होता है? सिर्फ उपवास रखना, किसी को छूना नहीं, ये सब उसके बाहरी अंग है। एकादशी का तात्पर्य होता है एक देशी होकर उस ब्रह्मानुसंधान में हम लगे रहे। एक देशी मतलब केवल वन पॉइंटेडनेस। जैसे घोड़े को बंधा हुआ होता है ना, वो अगल बगल में कुछ न देखे, सिर्फ सामने का आगे का देखे, उसका लक्ष्य विचलित न हो, वो कहीं मार्ग से भटक न जाए, इसलिए वो बांधते हैं। ऐसे ही हम भी एकादशी है तो एक संध होकर उस तत्वानुसंधान में, उस ब्रह्मानुसंधान में रत हो, ये कामना करते हुए। एक बार कबीरदास जी को पूछा गया, आप कहाँ के हो, कहाँ रहते हो? तो कबीरदास जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया है, हम जहाँ बसे उस हम जहाँ हम जिस गांव में रहे वहाँ पहुँच सके ना कोय। हम जिस गांव बसे वहाँ पहुँच सके ना कोय। कवा था सो हमस भयो जात वर्ण कुल खोय। हम जिस नगरी में, जिस आनंद की स्थिति में, परमानंद के क्षण में जी रहे हैं, वहाँ पहुँच सका ना कोय। जात कवा था, पहले कवा था। कवा क्या करता था? कुछ गंदे गंदे पदार्थ खाता था, गंदगी पर जाके, मैल पे जाके बैठता था, चोंच मारता था, वो खाता था, काव काव कर्कश ध्वनि से पुकारता था। लेकिन अब वो हंस भया, मतलब उसका जो दुर्गुण, काले गुण थे, वो सब निकल गए। अभी तो हंस भया, हंस को देखते ही कितना प्यार उमड़ आता है। परिशुद्धता का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। ऐसे कौवा था सो हंस भया जात वर्ण कुल खोय। मैं इस जाति का, मैं इस वर्ण का, मैं इस कुल का, मैं इस गोत्र का, ये सब भेदभाव मिट गए। और गुरु महाराज जी बारम्बार कहते हैं कि राम हमारा ध्यान धरत है, हम बैठे आराम। उस स्थिति में जाके ऐसे उद्गार निकलते हैं। हम साधकों को भी ये प्रेरणा स्थान है कि ऐसे जो हमको बारंबार वो देह मैं हूँ, मैं जीव हूँ, ये धारणा बनी रहती है। साधना साधना मतलब यही है। साधना मतलब जटा बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना, या तिलक ऐसे लगाना, वैसे लगाना, एक पैर पे ऊपर खड़े होना, इतना इतनी माला जाप करना, इतना परिभ्रमण करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब दुय्यम है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, उसका उतना सेकेंडरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अपने आत्मभाव में स्थित रहना।
आत्मभाव में स्थित रहना शुरू शुरू में थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। कोई तो मुझे नाम से पुकारता है तो मैं फट से नाम बन जाता हूँ, कुछ तो लग गया या बहुत गर्मी हो रही है, अरे फैन चाहिए, तो ये मैं फिर अपने देह भाव में आ करके बोल रहा हूँ कि इस शरीर के साथ तादात्म्यता हो गई, अरे इसको तो गर्मी लग रही है, मतलब मुझे ही लग रही है, लेकिन मैं तो ये देह नहीं हूँ। इस देह भाव से जब हम परे हो जाएंगे तो देव भाव में स्थित हो जाएंगे। सो ये देह भाव जब जब भी आता है, कोई तो बोलता है अरे आओ हाथ पैर धो लो, तो हमको लगना चाहिए अरे किसके पैर, ये भाव मन में तो आना चाहिए, अरे किसको पैर किसको हाथ, इस शरीर को हाथ पैर है, मुझे तो ना हाथ है ना पैर है, ये भावना मन में तो जागना चाहिए। इसको बारंबार ऐसे ही स्मरण, उठते ही हम ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, उससे मिलना है, वो खरीदना है, वो लेना है, वो देना है, इसके बारे में ही जो सांसारिक बाहरी चीज़ें हैं जो नश्वर है, अनित्य है, बीच में ही आई है, बीच में ही छोड़ के चले जानी वाली है, उसके बारे में बहुत सारा गणित करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा हिसाब लगाते हैं, लेकिन उठते ही मन में आना चाहिए अरे मैं तो नित्य आनंद परिपूर्ण स्वरूप हूँ, जी कहाँ से लेना देना नहीं है, कहाँ आना जाना नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है, मैं तो आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, आनंद स्वरूप में रममाण हूँ, आनंद में ही जी रहा हूँ, आनंद में ही स्थित हूँ। ये भाव तब तक जागना चाहिए। जैसे एक बार कबीरदास जी का कुछ पैर में कुछ चोट आ गई थी, तो कुछ तो वहाँ पे फिर पस हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारा दुर्गंध भी आने लगा और मांस भी वहाँ पे दिखने लगा, तो वह ऐसे ही अपने आत्मानंद में मग्न थे, बैठे थे कहीं पे, तो कोई कुत्ता आया, उसको तो सूने लगा, फिर वो चटने लगा, फिर वो काटने लगा, तो वहाँ से जो लोग थे, कबीरदास जी वो कुत्ता देखो क्या कर रहा है, आपका पैर काट रहा है, तो वो अपने आत्मानंद से थे, तो उनके मुँह से निकल गया कुत्ता जाने और चमड़ी जाने, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, तो वो जो कुत्ता है काटने का खाने का काम कर रहा है वो चमड़ी को अगर बचाना है तो वो चमड़ी जाने, तो मैं इस देहातीत अवस्था में जैसे थे वैसे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन अंदर से हमें पता होना चाहिए, अंदर से ये मालूम होना चाहिए, अंदर से ये प्रतीत होना चाहिए मैं इन सब से परे हूँ। अगर मैं देह भाव में हूँ तो मेरे लिए पत्नी है, बेटे हैं, बेटा है, ये है, वो है, सारा कुछ है। हाँ, अगर मैं देह भाव से विपरीत आत्मभाव में स्थित हूँ तो ये सब मेरे लिए लीला है, खेल है, प्रतीत मात्र है, दिख मात्र रहा है, लेकिन मैं इससे असंग हूँ। ये असंग की भावना साधकों के लिए, हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। मैं अगर लिप्त हो गया हूँ, मैं हरदम उसी के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे मन में कभी कहीं बैठता हूँ, उठता हूँ, किससे बात करता हूँ, तो बस ये उसी के बारे में सोचता हूँ। तो एक कहावत है, अगर मैं कोई जंगल में चला गया था तो अचानक बाघ आया, तो सामने अभी उसको वो विनती कर रहा है उसको, हे बाघ महाशय, हे बाघ महात्मा, हे बाघेश्वर, आप उसको बागेश्वर बोलो, बाघ महात्मा बोलो, बाघ जी कहो, ए बाघिया, ए उसको कुछ भी गाली दो, दोनों कुछ भी, उसको तारीफ करने से भी सुनेगा नहीं, गाली देने से भी सुनेगा नहीं, वो तो खाएगा ही। ऐसे ये जो जीव भाव है, ये जीव बाघ है, वो हमको काट के खाएगा, हमारे आनंद को निगल जाएगा। अगर हम इस जीव भाव से, देह भाव से परे हो जाते हैं तो हम आत्मभाव में जाते ही, अगर जाना कहाँ है तो एक ही मन, अगर उस मन को हम संसार की ओर, लौकिक की ओर लगाएंगे तो वो संसारी बन जाएंगे, लौकिक कहलाएंगे, लौकिक की बात को ही देखेंगे, सुनेंगे, कहेंगे, बतियाएंगे, और उस लोगों में बैठ के भी लोगों जैसा नहीं रहना है। गुरुजी बारंबार कहते हैं कि अनावश्यक से बचना, मतलब जो हमें वापस अपने देह भाव पे लाते हैं या जो बातें हैं हमको अपने आत्मभाव से हटा देती है, ऐसे भावों से, ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि उनका तात्पर्य ये नहीं रहता है, उनका तात्पर्य रहता है कि आपको खींच के आपको नाम से पुकारेंगे, आपके काम से जानेंगे,
आपके भाव से, आपके आत्मभाव से ला करके फिर देह भाव में बोलेंगे, अरे परसों तुमने जो गाना गाया था ना बहुत बढ़िया था, अरे परसों तुमने जो नाटक किया था ना बहुत बढ़िया था, परसों आपका वक्तव्य, अरे कहने वाला कौन, बोलने वाला कौन, बुलाने वाला कौन है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ ना, वो बोलने वाले कराने वाले वो है, वो तो मुझे संबंध ही नहीं है। तो ऐसे करके जैसे भी करके आपको फिर ला के यहाँ पे रखना लोगों का काम ही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें जागरूक रहना चाहिए कि हाँ भैया ये जो बातें कर रहे हैं वो तो ये शरीर के बारे में है, मैं तो शरीर नहीं हूँ। तो अगर ताना भी देते हैं, ताना बाना देते हैं तो वो ही वो जाने, मैं क्यों उससे अपने मन का आनंद है उससे मैं हट जाऊं, उससे मैं च्युत हो जाऊं। इसलिए कभी भी उस ब्रह्माभ्यास में, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म स्थिति में लय हो के रहना। इसलिए बोलते हैं ना, आज एकादशी है मैं फलाहार करूंगा। कैसे फल का आहार करना है? गुरुदेव की जो बातें हैं उनसे, उन्होंने जो हमको आत्मस्थ करने के लिए जो बातें कही हैं उसका फलाहार सेवन करना चाहिए। आज एकादशी है मैं किसी को छूंगा नहीं, मैं तो पवित्र बन के रहूंगा। तो क्या किसको नहीं छूना है? जो हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को अशुद्ध करते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे कल्पनाओं का त्याग। क्योंकि समर्थ रामदास कहते हैं, जाची कल्पना निमाली तुची साधु। साधु साधु किसको बोलना चाहिए? जिसने दंड कमंडलू लेके हाथ में रुद्राक्ष माला सभी शरीर पे डलाई है, भस्म लगाया है, ऐसे इसी को, इसको साधु कहे? नहीं, जिसकी कल्पनाएं शम गई है, थम गई है, जिसकी कल्पनाओं का पूरा नाश हो गया है वही साधु। तो एकादशी के दिन हमको फलाहार करना है, एक ध्यास में रहना है, एकाकार होके रहना है, एक में स्थित होना है, उस ब्रह्म के अभ्यास में लीन होना है, उस ब्रह्माभ्यास में रत होना है, और गुरु महाराज जी के वचनों का फलाहार करना है। और जो बातें, जो कल्पनाएं, जो विचार हमको इस भावना से हटाते हैं उससे असंग रहना है। क्योंकि ये संग जो है हमको तादात्म्य बना देता है। हम जैसा जैसा चढ़ेगा, जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग, बोलते हैं ना, वैसे कैसी एक संगत को पालना है, एक संगत को टालना है, एक संगत को लेना है, दूसरी संगत को छोड़ना है। और इसमें ही विवेक, जो साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो विवेक, सार कौन सा है, असार कौन सा है, कौन सा ग्रहण करना चाहिए, कौन सा त्याग देना चाहिए, कौन सा मेरे लिए हितकर है, कौन सी बात मेरे लिए अहितकर है, क्या करने से मैं अपने आत्म तत्व से परावृत्त होता हूँ। तो इसका जो सारा सार विवेक है, सत्यासत्य विवेक है, नित्या अनित्य विवेक है, ये साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। अरे कौन साधक, उसकी क्या दशा है, उसको क्या अनुभव हुआ है, उसको ज्ञान हुआ है कि नहीं, ये हर रोज़ कितना टाइम ध्यान करता है, वो क्या करता है, लोगों की बात लेके हमको क्या, अरे हम तो बहुत सारा पैसों से मकान बनाते हैं, बहुत बड़ा मकान बनाया, और बाहर के बैठने के लिए थोड़ा सा कट्टा, क्या बोलते हैं उसके लिए, बाहर घर के सामने आंगन में एक अच्छा सा बेंच वगैरह बना देते हैं, इतना सारा परिश्रम करके, इतना सारा टाइम खर्च करके, इतना सारा पैसा खर्च करके मकान बनाया खुद के पैसे से, और वहाँ पे मकान के सामने बैठ के बात करते हैं औरों की, गैरों की, दूसरों की, तो इससे क्या लेने देना, इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला। बातें तो हज़ार है, लेकिन ऐसी बात गुरुदेव कहते हैं ना बारम्बार, ऐसा श्रवण करना चाहिए। किसी ने परसों कह रहा था कि, कह रहे थे कि एक पत्थर की मूर्ति है, वो देवस्थान में, देवालय में, मंदिर में जाके भगवान हो जाती है। जैसे एक पत्थर की मूर्ति है, उसको षोडशोपचार करके, उसको प्राण प्रतिष्ठापना करके वो जाके मंदिर में, गर्भगृह में जाती है, तो देव, भगवान, ईश्वर बन जाते हैं। उसको हम नमन करते हैं, अभिषेक करते हैं, श्रृंगार करते हैं, प्रसाद लेते हहैं, आरती उतारते हैं, इत्यादि सब करते हैं। वो एक बार अंदर गर्भगृह में चला जाए, मंदिर में चला जाए, तो वो भगवान बन गया। तो हम कितनी बार मंदिर में जाते हैं, कितनी बार जाते हैं आते हैं, तो हम क्यों नहीं भगवान बने?
तो भगवान बनना न बनना ये हमारे हाथ में है। हमको अपने आत्म तत्व में कोई और जाके नहीं बिठाएगा, ये किसी दूसरे का काम नहीं है, ये हमारा ही काम है, ये हमारा ही कर्तव्य है। ये इसलिए कहा गया है उद्धरे आत्म आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। हमारा उद्धार करना है, हमारा उन्नति, हमारी उन्नति करनी है, वो किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, क्या कर सकते हैं, गुरु महाराज जी हो, ग्रंथ हो, शास्त्र हो, जैसे घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीना उस घोड़े का ही काम है। वैसे शास्त्र हो, सद्गुरु हो, कहते हैं तुम्हारा आत्म तत्व क्या है, अनात्म तत्व क्या है, इसका विवेक, इसका विचार वो सामने रख देते हैं। अब चूज करना हमारा ही कर्तव्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका सारा सार विवेक ये मनुष्य के ऊपर है। इसलिए केवल ब्रह्माभ्यास में स्थित रहना साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए क्या करें, बचे रहे, मतलब लोगों में रहते हुए लोगों में न रहे। क्या इसका तात्पर्य, हाँ चार लोग बात कर रहे हैं उसमें बस अपने आम रहते हुए भी ये जो बातें हो रही है इससे मैं परे हूँ, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो असंग हूँ, मैं तो निस्संग हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ। ये सारे चीज़ों से अगर लोगों में बैठे, हम तो लोगों में बैठना उठना होता है, लेकिन हमारा अंतर भाव क्या कहता है, हमारा अंतर मन क्या है, इसके ऊपर सभी कुछ जाता है। राहोनी जनामाजी, जो लोगों के संग रहते हैं, लोगों में रहते हुए उनसे भी परे जो सोचता है वो साधु कहलाते हैं। तो वैसा हमारा जो साधुत्व है ना, साधु का मतलब ये नहीं है कि किसी इस रंग के कपड़े पहने, उस रंग की माला पहने, इस रंग का तिलक लगाए, ये छाप माला से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो हमारे मन की धारणा, हमारे मन की भावना, अरे मैं तो खुद ही परमात्मा हूँ, मैं तो खुद ही ईश्वर का अंश हूँ, मैं तो जीव नहीं हूँ, मैं तो शिव हूँ, इस भावना को दृढ़ करते जाना है। और ये केवल एक दिन में होगा क्या, अभ्यास से ही होगा, अभ्यास से ही होगा। इस प्रपंच को दीर्घ स्वप्न कहा गया है, क्योंकि ये दिखता है और उसका कब विनाश लय हो जाता है। तो वो जो चीज़ शाश्वत है, जो तीनों कालों में है, उसको हम शाश्वत कहेंगे, सत्य कहेंगे। ऐसी सत्य वस्तु में हमारी धारणा हो, हमारी अवधारणा, हमारी धारणा उस चीज़ में हो जो सत्य वस्तु है, वो मेरे भीतर ही है, वो कहीं से आने जाने वाली नहीं है, किसी मार्केट में मिलने वाली नहीं है, या किसी के पास से हम खुशामद करके लोन के ऊपर ले नहीं सकते। हाँ, इस सब मार्ग में चलना है, सत्संग में रहना है, गुरु की आज्ञा का परिपालन करना है, गुरु की कृपा हम पर होना है, तो ऐसे सत्संग में आना है, हमारे दुर्गुणों से निजात पाना है, सत्य वस्तु के संग में रहना है, सत्संग में रहना है, सत्य के वस्तु जानने वाले के संग में रहना है, केवल उसका ही चिंतन करना है। तत्चिंतनम, तत्कथनम, तत्श्रवणम, उसी का ही ध्यास लगा बना रहे, वही सुनते रहे, वही बोलते रहे, वही कहते रहे, उसी में रहे, यही ब्रह्माभ्यास है। ब्रह्म हमारे से कहीं परे नहीं है, किसी एक विशेष दिशा में मुख करके बैठने से प्राप्त होगा क्या, अरे वो तो सभी जगह पे है, सब में है। तो उसके लिए सिर्फ एक दिशा, एक घड़ी, ऐसा कुछ विशेष कुछ है नहीं उसमें। जो जहाँ है, जैसे है, उसी स्थिति से उस ब्रह्म का अभ्यास कर सकता है, वो ब्रह्म में स्थित हो सकता है, और वही आनंद है। जैसे मैल को हटाए तो परिपूर्ण शुद्ध वस्तु अपने भीतर, अपने अंदर है ही है, उस वस्तु का प्रकटीकरण करने के लिए दूसरा कुछ करना नहीं है। जैसे हम गुरु जी कहते हैं कि धूप में बैठना अपने आप को ठंड को भगाना है, वैसे हम अनात्म वस्तु से ईजाद पाए तो आत्म वस्तु वो सिद्ध है ही, प्रकट है ही, आज उस वस्तु के साथ ही हमारा सम्मिलन हो, गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद हम सब पे बने रहे, ये कामना के साथ सद्गुरु ने जो बुलवाया है उन्हीं के चार शब्द उनके चरणों में अर्पण करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय।